सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एवेकस। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा और आज हम देखने वाले हैं एक स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला, मतलब इसका पार्ट टू है। पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला देखा था जो था प्लस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फाइव। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे फिंगर मेथड से, और आज हम उसी फॉर्मूले पर आधारित एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो एबेकस पर सॉल्व करने हमें, तो आज इन्हें देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। पहले वो देख लो क्योंकि वो पार्ट वन है, उसके बाद आप पार्ट टू देखो। तो चलो हम इसे शुरू करते हैं। इसमें पहला एग्जांपल दिया है हमें 23, सो यहाँ मैं लूँगा 23 प्लस 22, ये 20, और ये यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा प्लस 2, ये जो 2 हमें ऐड करना है इसके लिए माइनस 3 प्लस 5 करना होगा, तो इसलिए यहाँ से मैं करूँगा माइनस 3 और ये प्लस 5, और उसके बाद प्लस 53, सो ये यहाँ से 50 और यहाँ 3, सो आर आंसर इज 98। सो 98 में यहाँ लिख दूंगा। तो उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल, इसमें दिया है 43, ये 40, ये 3, 43 प्लस 25, ये माइनस 3 प्लस 5 और यहाँ 5, सो प्लस 31, सो हो गए 99। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में दिया है 11, ये 10 और ये 1, 11 प्लस 33, ये 30, ये 3, 33 प्लस 22, ये माइनस 30 प्लस 50 और ये माइनस 3 प्लस 5, मतलब वो सेम ही है, एक ही फॉर्मूला है, तो ये हो गए 66। तो उसके बाद हमें दिया है 32 प्लस 21, ये माइनस 30 प्लस 50 और ये 1, प्लस 45, 98। उसके बाद है 63, ये 60, ये 363 प्लस 12, ये माइनस 3 प्लस 5 और उसके बाद प्लस 11, सो 80 और ये 6, 86 इज द आंसर। सिक्स्थ एग्जांपल में दिया है 34, ये 30 लिए और ये 4 लिए, प्लस 52, ये 50, और यार 2 के लिए फार्मूला लगेगा, क्या है हमारा फार्मूला, माइनस 3 प्लस 5, तो हम यहाँ माइनस 3 करेंगे और प्लस 5 करेंगे, तो उसके बाद माइनस 86, तो ये 80 गए यहाँ से और ये 6 गए, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा। देखो इस आंसर लाइन को कुछ टच है क्या, कौन सा भी बीट टच नहीं है, मतलब हमारा आंसर है 0। तो आप यहाँ 10 भी लिख सकते हो या फिर 2, क्योंकि ये 2 डिजिट है, मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 ही होता है। तो उसके बाद है 21, ये 21 प्लस 13, ये 13 प्लस 62, सो ये 60 और ये माइनस 3 प्लस 5, सो 96 आया अपना आंसर। तो उसके बाद 8th एग्जांपल में दिया 42, ये 42 प्लस 12, अब यहाँ पर है ना हमारा एक पुराना फार्मूला आया है प्लस 12 के लिए, हमें इस 10 को प्लस करने के लिए माइनस 40 प्लस 50 करना पड़ेगा और यहाँ 2 ऐसा। अगर आपको वो भी फार्मूले देखने हैं, अभी तक हमारे 3 फार्मूले हो चुके हैं, मतलब ये जो है आज का फार्मूला, ये वाला ये हमारा तीसरा है, इसके पहले 2 फार्मूले ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। अगर आपको वो देखना हो तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले डाले हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो वही फार्मूला यहाँ पर आया था। तो उसके बाद है प्लस 11, ये 10 और ये माइनस 4 प्लस 5, सो 65। तो उसके बाद है 47, ये 47 प्लस 22, ये 22 माइनस 62, 7 इज द आंसर। अब हम इस सेकंड रो को भी देख लेते फटाक से। तो इस सेकंड रो का ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें दिया है 2, तो मैं यहाँ लेता हूँ 2 प्लस 2 और उसके बाद फिर से प्लस 2,
मतलब मुझे माइनस 3 प्लस 5 करना होगा और फिर प्लस 10, सो यार 10, सो 16 इज द आंसर। सर लिख देता हूँ 16, तो उसका 34, ये 34 प्लस 12 ये 10 और ये माइनस 3 प्लस 5 प्लस 20 ये माइनस 30 प्लस 50, मतलब वो सेम है माइनस 3 प्लस 5 तो माइनस 11, सो ये 10 गए ये 1 गया, सो 55 इज द आंसर। सो ये 55, उसके बाद है 31, ये 30 ये 1, 31 प्लस 23 ये माइनस 30 प्लस 50 और ये 3 यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, फिर प्लस 42 ये माइनस 3 प्लस 5 और माइनस 85, ये 80 गए ये 5 गए, सो बचे सिर्फ 11। तो उसके बाद चौथे एग्जांपल में दिया है 36, ये 30 ये 6, 36 माइनस 16 ये 16 माइनस प्लस 34, अब 34 है तो माइनस 20 प्लस 50 करना पड़ेगा और ये 4 वैसा हमने लिया, उसका भी फॉर्मूला हमने देखा है और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो प्लस 2 सो माइनस 3 प्लस 5 सो 56। तो उसके बाद है पांचवे एग्जांपल में 22, ये 22 प्लस 22 प्लस 22 फिर से, सो यहाँ पर हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस 3 प्लस 5, तो ये दोनों डिजिट के लिए हमें लगाना पड़ा क्योंकि ये दोनों 22 थे, तो यहाँ भी माइनस 30 प्लस 50 और यहाँ माइनस 3 प्लस 5 तो प्लस 33, ये 30 ऐड किए और ये 3 तो ये 99 हो गए 99। तो उसके बाद है 31, ये 31 प्लस 23 ये माइनस 30 प्लस 50 और ये प्लस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 5 किया मैंने और प्लस 13 ये 10 और ये 3 सो 69। फिर 12 प्लस 2 फिर 82 माइनस 1 सो 95 इज द आंसर। तो एट्थ एग्जांपल में दिया है 33, ये 33 प्लस 21, अब यह मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस 30 प्लस 50 और ये 1 प्लस 45 माइनस 9, अब 9 मतलब ये 5 जाएंगे और ये 4 भी जाएंगे, तो उसके बाद हमारा आंसर मतलब आया 90, सो यार लिख दूंगा 90। तो अपना लास्ट एग्जांपल जो है इसमें हमें दिया है 82, ये 82 माइनस 52 ये 52 माइनस प्लस 24 ये माइनस 30 प्लस 50 और ये 4 एज इट इज और प्लस 14 ये 10 और यहाँ माइनस 1 प्लस 5, उसका फॉर्मूला हो गया है, वो दो फार्मूला आ गए एक ही एग्जांपल में, ऐसा होता है। अब वो डिफ़िकल्टी बढ़ते जाएगी, पहले क्या था कि एक एग्जांपल में सिर्फ एक ही फार्मूला होगा, अब बाद में जैसे जैसे लेसन बढ़ते जाएंगे तब एक ही एग्जांपल में दो तीन फार्मूले भी आएंगे, पर उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर अपना कंसेप्ट क्लियर होना तो फिर कैसा भी एग्जांपल हो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना आंसर आया 68। तो इसके साथ हमने ये दो रो देख लिए है, ये कंप्लीट कर दिए सब सॉल्व किए 18 एग्जांपल्स, और ये फॉर्मूला भी अपना कंप्लीट हो गया है माइनस 3 प्लस 5 वाला, और अब ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद और एक फार्मूला है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, उसके भी दो पार्ट होंगे, एक फिंगर एक एबेकस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, समझा या नहीं, कोई डाउट हो तो वो भी पूछो, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।